हाउ टू मेक विंडोज 11 बूटेबल पेन ड्राइव, आज का मेरा टॉपिक यही है। मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ किस तरह से आप विंडोज 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे, किस तरह से आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। और देखिए, जो लैपटॉप बिगिनर से मतलब जिसको आइडिया ही नहीं है कि ये बूटेबल होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपने सुना होगा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11, राइट? उन सबको लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ता है। अगर कोई ऐसे पर्सन है जिसको लैपटॉप में विंडोज 11 को इंस्टॉल करना है, तो उनके लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो चलिए हम जानते हैं फर्स्ट किस तरह से जो है ISO फाइल को डाउनलोड किया जाता है, किस तरह से जो है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया जाता है। ओके, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इसको बूटेबल बनाया जाता है। मैं आपको एक्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप जो है बताऊंगा। और एक बात, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है सैफ, मैं यहाँ पर लैपटॉप लर्नर्स के लिए लैपटॉप बेसिक्स में यहाँ पर ज़्यादा वीडियो सपोर्ट करता हूँ। इवन मैंने एडवांस लेवल की चीज़ें भी अपलोड किए हैं। अगर आप एक लैपटॉप लर्नर हो, लैपटॉप के बारे में सीखना चाहते हो, लैपटॉप के बारे में नॉलेज और गेन करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक चैनल है। ओके, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। मैं हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, मैं ओपन करता हूँ कोई भी एक ब्राउज़र को। मेरे लैपटॉप में अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एज। इन योर केस तुम्हारा लैपटॉप में गूगल क्रोम हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, या मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। ओके, कोई भी एक ब्राउज़र को आप ओपन कर लेना। मेरे लैपटॉप में जो है माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है google.com। ओके, उसके बाद जो है आपको गूगल के अंदर यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड विंडोज 11। ओके, इस तरह से टाइप करने के बाद सिंपली एंटर, तो आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा www.microsoft.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनका, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको उनका वेबसाइट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन डाउनलोड बटन दिख जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है विंडोज 11 का बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बनाना है, राइट? तो हमको काम में आ जाएंगे ये दो ही चीज़ें। ओके, मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नंबर वन चीज़ है, अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ, ओके, डाउनलोड नाउ के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, तो एक सेटअप फाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसको मैं ओपन करते ही यहीं से भी मैं डायरेक्टली पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकता हूँ, या मैं यहीं से ही ISO फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, ISO फाइल को डाउनलोड करना और डायरेक्टली पेन ड्राइव को बूटेबल करने में क्या डिफरेंस है? अगर आप ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसको जो है कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू बूटेबल बनाएंगे, तो आप उस ISO फाइल को किसी को भी दे सकते हो। जैसे मान लो आपके कोई भी फ्रेंड्स है, उनको भी चाहिए विंडोज 11, तो आप उनको जो है उस फाइल को दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस टूल के थ्रू, ओके, अगर आप डायरेक्टली इस टूल के थ्रू पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे, तो आपके पास जो है ISO फाइल नहीं रहेगी। मतलब पेन ड्राइव को एक बार बूटेबल बनाने के बाद आप पेन ड्राइव को तो दे सकते हैं, लेकिन उनको आप ISO फाइल कॉपी करके नहीं दे सकते। मतलब डायरेक्टली आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो रहा है, राइट? यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, अगर आपको ISO फाइल चाहिए, ओके, तो आप यहां पर क्लिक कर लेना। डाउन साइड में आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा ISO फाइल को डाउनलोड करने का। तो सबसे पहले आपको यहां पर सेलेक्ट करना है फर्स्ट, ओके, विंडोज 11, उसके बाद जो है डाउनलोड। तो यहां पर आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है कन्फर्म। तो यहां पर आपको 64 बिट ऑप्शन मिलेगा एक। देखिए, विंडोज़ में जो है 32 बिट और 64 बिट होता है। ओके, अगर आपका लैपटॉप जो है एकदम लो एंड है, मतलब ड्यूअल कोर या पेंटियम है, इस तरह से प्रोसेसर है, या 2GB रैम है, या 3GB रैम है, इस तरह से लो एंड लैपटॉप है, तो आपको 32 बिट जो है विंडोज़ को डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन अभी विंडोज़ 11 का जो है 32 बिट नहीं मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पर ओनली 64 बिट का ऑप्शन दे दिया गया है। ओके, अगर आपके लैपटॉप में 4GB के ऊपर है, या कोर i3, इस तरह से थोड़ा हाई एंड प्रोसेसर है, तो आप जो है इस विंडोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस विंडो को जो है डाउनलोड करता हूँ, इस ISO फाइल को, यहाँ से 64 बिट डाउनलोड। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे जो ISO फाइल है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ISO फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। तो फिलहाल मैं इसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने इस फाइल को डाउनलोड किया था ना, ये जो सॉफ्टवेयर है फर्स्ट का, इसको हमने डाउनलोड किया था, इसी से ही हम डायरेक्टली फर्स्ट बूटेबल पेन ड्राइव को बनाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से भी पेन ड्राइव को जो है बूटेबल बनाएंगे। ओके, दो मेथड भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं ओपन करता हूँ इस सॉफ्टवेयर को, मीडिया क्रिएशन टूल। ओके, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको एक यहाँ पर मैसेज दे दिया जाएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो आपको सिंपली यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। आई नो कि आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा था। ओके, तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर आपको उस तरह से मैसेज मिल रहा है, तो आपको सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर मैसेज नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो टूल जो है ओपन हो चुका है, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, अभी रेडी हो रहा है, और हमारे पेन ड्राइव को जो है अभी हम बूटेबल बना रहे हैं। एक्चुअली मैंने अभी तक पेन ड्राइव को कनेक्ट नहीं किया है। ओके, बाद में पेन ड्राइव को कनेक्ट करने का स्टेप आ जाएगा, तब आप जो है पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना। ओके, तो फिलहाल मेरे हाथ में ही पेन ड्राइव है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये पेन ड्राइव जो है मिनिमम 8GB का रहना जरूरी है। ओके, 8GB रहना जरूरी है पेन ड्राइव, उससे ऊपर भी रह सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं रहना है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है। आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं रीड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, थोड़ा सा हम वेट करते हैं।
सो यहाँ पर आपको सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है डिफॉल्ट है। ओके, अगर आप चेंज करना चाहते हो लैंग्वेज तो आप यहाँ से जो है इसको अनमार्क करके यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको मार्क रहने देता हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट। सो यहाँ पर देखो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आप इसी एक टूल के थ्रू ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली जो है पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको ISO फाइल चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हो तो आपको ए ऑप्शन जो है सेलेक्ट रहना है। तो फिलहाल जो है इसको डिफॉल्ट इसी को सिलेक्टेड है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर बता रहा है कि तुम्हारे पेन ड्राइव में अगर कुछ भी फाइल्स है तो उसको बैकअप कर लो, नहीं तो वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, अगर आपकी तुम्हारे फाइल में कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसको पहले आप बैकअप कर लेना, उसके बाद जो है आप उसी पेन ड्राइव से विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं मेरे लैपटॉप को जो है पेन ड्राइव को कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि वी कांट फाइंड USB फ्लैश ड्राइव। ओके, तो फिलहाल मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूँ। तो फिलहाल मैंने पेन ड्राइव को जो है कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैसेज आ गया होगा, राइट। तो कनेक्ट करने के बाद रिफ्रेश ड्राइव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली जो है मेरा पेन ड्राइव सेलेक्ट हो चुका है, ऑटोमेटिकली इन्होंने ले लिया है। उसके बाद जो है सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस हो चुका है, ये अभी 100% हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ये एक्चुअली बेस्ट वे होता है यार पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंटरनेट फास्ट रहना है। अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तुम्हारे पास तो डेफिनेटली आपको ISO फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से जैसे रूफ़ुस है सॉफ्टवेयर, राइट, उससे जो है आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ईजी है और एकदम कम MB का सॉफ्टवेयर है वो, कौन सा, रूफ़ुस। ओके, नो वरी, थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसको 100% होने तक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर USB फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। तो सिंपली आपको यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। सो आपका पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन चुका है। ओके, सो मैं चलता हूँ दिस PC के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे फाइल्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है विंडोज 11 के। तो ये पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन चुका है। अभी मैं आपको नेक्स्ट मेथड बता देता हूँ, नेक्स्ट मेथड से आप किस तरह से जो है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। ओके, ये था एक मेथड, और सेकंड मेथड जो है उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है रूफ़ुस। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर चलता हूँ google.com और नेक्स्ट जो है RUFUS और एंटर, तो आपको फर्स्ट में ही वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और जो है स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको रूफ़ुस के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड क्लोज। से यहाँ पर देखो वो सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर भी मुझे एक मैसेज दे रहा है, डू यू वांट टू एलो दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। तो सिंपली आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आपको ये सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। सो यहाँ पर देखो इस तरह से जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा पेन ड्राइव जो है डायरेक्टली डिटेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव को रिमूव नहीं किया था, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है, कोई बात नहीं। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जो है जहाँ पर आपका ISO फाइल है जो मैंने डाउनलोड किया था ना यहाँ से, आपको याद होगा, राइट, जस्ट अ सेकेंड, जो मैंने ISO फाइल यहाँ से डाउनलोड किया हुआ था, राइट, यहाँ पर था वो डाउनलोड, मतलब यहाँ पर ही वो फाइल, राइट, यहाँ पर है, मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ था। तो उस फाइल को जो है आपको यहाँ पर अभी सेलेक्ट करना है। ओके, मैं चलता हूँ वापस यहाँ पर, और डाउनलोड के अंदर था, तो यहाँ पर देखो डाउनलोड के अंदर मैं हूँ, इस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ओपन, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर MBR सेलेक्ट करना है, और नेक्स्ट जो है स्टार्ट, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मैसेज देगा कि अगर आपका कुछ भी डेटा है तो उसको बैकअप करो, क्योंकि ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली मुझे कुछ भी काम की चीज़ नहीं है उसमें, तो मैं सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पेन ड्राइव जो है जो भी उसके अंदर फाइल्स है वो डिलीट हो रहे हैं, उसके बाद जो है वो पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली बूटेबल बन जाएगा। सो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना है।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। सो मैं चलता हूँ वापस से जिस पीसी के अंदर और इसको मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर देख लेना वापस से जो है मेरा पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। ये दो मेथड है जिसकी मदद से जो है आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू मेक विंडोज 11 बूटेबल पेन ड्राइव। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड या कुछ भी एरर आ रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट जो है पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, दो बार मैंने बूटेबल बना दिया। नंबर वन जो है मीडिया टूल्स है और सेकंड वन जो है रूफस सॉफ्टवेयर से, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लिया बूटेबल होने के लिए, लेकिन कुछ एरर कुछ बीच में नहीं आ गया। ओके, दो बार भी आराम से जो है स्मूथली हो गया, थोड़ा सा लेकिन टाइम ले लिया। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।